रूपा जी, खाद्य तेलों की बात की जाए तो खाद्य तेलों में क्या लगता है आपको? इंडोनेशिया से तो देख रहे हैं कि आयात हो रहा है अच्छा खासा, लेकिन इंडोनेशिया ने अपने एक्सपोर्ट टैक्स में फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जैसा हर बार होता है कि जब जब भारत आयात शुल्क में कटौती करता है या किसी भी प्रकार की ड्यूटी घटाता है या बढ़ाता है जिससे कि ज्यादा आयात किया जा सके खाद्य तेल का, तो तब तब देखा है कि विदेशी कंपनियों में दाम बढ़ा दिए गए हैं, ठीक वैसा ही अब होता नजर आ रहा है। दूसरा, अभी फेस्टिविटी भी सामने है, तो क्या लग रहा है, क्या खाद्य तेलों में तेजी रहेगी या फिर जो खाद्य तेल के प्राइसेस हैं एज इट इज बने रहेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल दबाव ही दिखाई दे रहा है सभी खाद्य तेलों में, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो। ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर जो तेजी है वो बनती हुई दिखाई देगी। अगर सरसों की बात करें तो सरसों में मंडियों में अभी फिलहाल आवक कम देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइजेस भी जो है वो प्रेशर के अंदर बने हुए हैं। रिफाइन की कीमतें भी जो है वो घटती हुई दिखाई दी है, और जो है सरसों की जिस तरीके से आवक घटी है उसका असर रिफाइन की जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर जरूर आता हुआ आगे चलकर दिखाई दे सकता है, और उसके बाद जो है प्राइसेस के ऊपर हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो गिरावट में ही दिखाई दे रहा है, लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी,